उत्तरप्रदेश गस्तरे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह एही अवसर रे जनसभा सह विभिन्न योजनार शिलान्यास करिछते। शाह काशे विश्वनाथ करिडोर भली मां विंध्या पासनी करिडोर शिलान्यास करिबे गृहमंत्री। मिर्जापुर पहुंची मां को पूजा अर्चना परे अपराह्न रे योजना अधीन रे रोपवे सह अन्य विकासमूलक कामर शिलान्यास कार्यक्रम होछि। एफएसएल के सेंटर भी बना पाएंगे और उसके बाद 6 साल के ज्यादा जिसमें सजा का प्रावधान है ऐसे हर गुनाह में एफएसएल को कंपलसरी कर दो सिद्धि का प्रमाण हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं कई बार कहता हूं पुलिस दो ही कारणों से बदनाम होती है, एक नो एक्शन और दूसरा एक्सट्रीम एक्शन। नो एक्शन भी ठीक नहीं है, अकर्मण्यता कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती, और एक्सट्रीम एक्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि वो उसकी प्रतिक्रियाएं निर्माण करता है। तो नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन से निकलकर जस्ट एक्शन की दिशा में, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया की दिशा में पुलिस आगे बढ़े, इसके लिए ये दोनों यूनिवर्सिटियां बहुत बड़ा काम करेगी। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अखबारों को पढ़ता रहता हूं, अनेक प्रकार के इधर उधर के बयान आते हैं और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसानों को परेशान किया जाता था, ऋण प्राप्त नहीं होता था, आप मौज मस्ती में। तो आप देखुले सदासलख जो अभिभाषण रही केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह विशेषकर अनेक विकासमूलक कार्यक्रम शिलान्यास करार जहां कार्यक्रम रही अवसर में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित अच्छा एवं वर्तमान आपने शुणुंट अमित शाह अभिभाषण। उत्तर प्रदेश के लोग घर के बगैर झोंपड़ियों में, कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे थे, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं चूल्हा भूनकर अंधे अंधापे को इनवाइट करती थी, आमंत्रित करती थी, आपको गैस देने की सुध नहीं आई, और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आ जाते। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे करकर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलने के लिए, और जो सब करने गए उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गंदा मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के युवाओं ने रोजगार की कल्पना ही नहीं की, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने सफलता के साथ किसी को टैक्स दिए अनधिकृत टैक्स खंडने के लिए बगैर व्यापार कर पाएंगे ऐसी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की थी। और उत्तर प्रदेश में इतने औद्योगिक निवेश को किसी ने सोचा भी नहीं था। निवेशकों का सम्मेलन भी कानून और व्यवस्था के कारण अखिलेश यादव जी को लखनऊ में करना पड़ा, लखनऊ से बाहर दिल्ली में करना। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवर्तन लाया है। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह का अभिभाषण एवं यही अवसर में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित अच्छा विशेषकर लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस शिलान्यास करम रही।